हमारा आज का वीडियो है दोस्तों, ये 16 स्लॉट का एग्जॉस्ट फैन है 12 इंची वाला। इसको हम आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे। ये 16 स्लॉट का है दोस्तों, उसमें कितने नंबर का हमने इस्तेमाल किया है, क्या क्या है देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारा 16 स्लॉट का है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसका आपको बायोडाटा भी बताऊंगा दोस्तों। 4 कॉयल इसमें नीचे डालनी है और 4 कॉयल इसके ऊपर डालनी है। हमने ये कॉयल बना रखी है दोस्तों इसकी, इसको मैं आपको डाल कर दिखाऊंगा किस तरह से हमें डालना है और किस तरह हमने इसमें टर्न किए हैं दोस्तों। इसमें हमने 37 नंबर का इस्तेमाल किया है और 37 नंबर के दोस्तों इसमें हमने 850 टर्न किए हैं। और दोस्तों इसकी पिच रखनी है हमें 1/4। इस तरीके से हम कॉयल को डाल देंगे और फिर इसको यहाँ से मिनीमैक्स से लॉक कर देंगे इस तरीके से। दूसरी साइड देखिए दोस्तों, दो स्लॉट ये बगल में छोड़ देंगे इसकी और फिर इसके कॉयल को आराम से प्यार के साथ में इस तरीके से डाल देंगे। देखिए इस तरीके से दोस्तों हम कॉयल को डालेंगे। ये हमारी कॉयल लगभग डल चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों इसको भी हम लॉक कर देंगे दोस्तों। इसमें हमने 7.5 mm का मिनीमैक्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि 7.5 नंबर पेपर का। तो इस तरह देखिए दोस्तों, हमारी कॉयल ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों हम इसको डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह इसको सेट कर लेंगे और फिर देखिए दूसरी कॉयल में आपको डाल कर दिखाता हूँ दोस्तों। दूसरी कॉयल भी हम इसकी बगल से ही डालेंगे इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से बहुत ही प्यार से हमारी कॉयल ये डल जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने इस साइड से इसको डाल दिया है और फिर इसको लॉक कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए लॉक कर दिया है। फिर इसी तरह दो स्लॉट छोड़ेंगे, फिर तीसरी में इसको डालेंगे, यानी कि 1/4 में हमारी कॉयल जाएगी। दो स्लॉट हमें बीच में छोड़नी है इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, हमको ये कॉयल प्यार के साथ में डाल लेना है और फिर इसको ऐसे लॉक कर देना है इस तरीके से। देखिए हमने इसको लॉक कर दिया है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हमारी दो कॉयल पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब देखिए तीसरी वाली कॉयल भी हम इसी तरीके से डालेंगे दोस्तों। हमने इसमें स्टार्टिंग और रनिंग में सेम टर्न किए हैं, यानी 850 टर्न नीचे हैं और 850 टर्न ही ऊपर हैं दोस्तों। इस तरीके से देखिए हमने तीसरी कॉयल की एक साइड भी डाल दी है। इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे और फिर इसी तरीके से दो बीच में छोड़ेंगे और फिर इसी तरीके से इसको हम कॉयल को डाल देंगे इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, इसको बांधना बहुत ईजी है दोस्तों। पूरे 37 नंबर का हमने इस्तेमाल किया है दोस्तों इसमें। इस तरीके से देखिए ये कॉयल इधर से भी डल चुकी है। अब इसको भी हम लॉक कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको लॉक कर देना है। और ये दोस्तों इस तरीके से हमारी तीन कॉयल पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसके अंदर चौथी कॉयल भी डालकर दिखाएंगे आपको। देखिए इस तरीके से दोस्तों, इसको थोड़ा मोड़ से लेते हैं जिससे हमारी कॉयल सेट आ जाए इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इसको हम चौथी कॉयल भी इसी प्रकार से हम डाल देंगे। देखिए हमने चौथी कॉयल का एक साइड भी डाल दी है। अब इसको भी हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। देखिए हमने लॉक कर देना है और फिर इसको दूसरी साइड से आराम से डाल देना है, बहुत ही आराम से दोस्तों। ये कॉयल डल रही है, किसी फन्नी वन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप भी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको लॉक कर देते हैं दोस्तों। हमारी ये 4 कॉयल पूरी मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हमारी रनिंग जो कॉयल है वो पूरी हो चुकी है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने 4 कॉयल इसकी पूरी कर दी है, बिल्कुल सेट हो चुकी है ये 4 कॉयल। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों उनके कॉयल को सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करेंगे और फिर उसके बाद में दोस्तों हम इसमें क्या करना है, इसको हमें टेप से कॉटन टेप लगा देना है। देखिए ये कॉटन टेप होती है डॉक्टर वाली, इसको इस तरीके से हमको कॉयल को चिपका देना है जिससे हमारी कॉयल कहीं से नहीं दिखे, जिससे हमारी कॉयल जो स्टार्टिंग कॉयल हम डालेंगे वो आपस में शॉर्ट ना हो। इस तरीके से दोस्तों हम सभी कॉयलों को सेट करेंगे इस तरीके से। देखिए हमने दोस्तों इनको कॉटन टेप से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से तीन कॉयल हमारी हो चुकी है। अब इसी तरीके से
चौथी कॉयल में भी हम कॉटन टेप इसी तरह से लगा देंगे। देखिए हमारी एक साइड में दोस्तों कॉटन टेप पूरी लग चुकी है। अब दोस्तों इसी तरीके से कॉयल को हम थोड़ा सेट सा करने के बाद में दूसरी साइड में भी इसी तरीके से दोस्तों हमको कॉटन टेप लगा देनी है। इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा जल्दी भी कर सकता था जिससे आपकी समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम को किया जाता है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी वीडियो में फटाफट दिखा दिया, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आराम से दिखा रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें ये 16 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन है 12 इंची वाला दोस्तों इसको वाइंडिंग करना है। इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने ये टेप को इधर से पूरा लगा दिया है। देखिए दोनों साइड में हमने टेप लगा दी है इस तरीके से। देखिए ये हमारी टेप लग चुकी है। अब देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा कॉयल को नीचे को बैठा लेना है जिससे हमारी जो स्टार्टिंग कॉयल है दोस्तों वो आराम से आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हमने इसको बैठा लिया है। अब दो है दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉयल डालना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से देखिएगा हम इसको कॉयल डालकर दिखा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों उसमें भी चार ही पिच रखनी है, यानी कि दो स्लॉट बीच में रह जाएगी और फिर दोनों साइड से हमें कॉयल को डाल देना है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये फैन वाइंडिंग करना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने एक साइड में कॉयल डाल दिया है और फिर इसको लॉक भी कर देते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमें इसको लॉक कर देना है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको डाल देना है, ये हमने इसके अंदर इसको डाल दिया है। अब दोस्तों इसको हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। देखिए हमने इसको लॉक कर दिया है। ये हमारी कॉयल दोस्तों एक पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों इनमें दूसरी कॉयल भी आपको डालकर दिखाऊंगा किस तरह से हमें दूसरी कॉयल डालनी है। देखिए इस तरीके से दोस्तों हमको दूसरी कॉयल भी डालनी है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों हम आपको दूसरी कॉयल भी डालकर दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी कॉयल हमने डालने स्टार्ट कर दी है। अब इसको भी इसी तरीके से हम डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से दोस्तों हमको इसको डाल दे रहा है। ये देखिए दोस्तों बहुत आराम से डल चुकी है। अब दोस्तों इसको हम पेपर से लॉक कर देते हैं इस तरीके से। देखिए हमने इसको लॉक कर देना है, ये हमने इसको लॉक कर दिया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड में इसको दोस्तों हम कॉइल को डाल देते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों हमने इसको डाल देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारी कॉइल इसके अंदर डल जाएगी इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों थोड़ी ये इधर से टाइट डल रही है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारी कॉइल ये लगभग डल चुकी है। अब दोस्तों इसको भी हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से। दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की दो कॉइल डल चुकी है और इसको हमने लॉक भी कर दिया है। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों हमको अब करना क्या है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ हम करते क्या हैं। दोस्तों इसको फिर यहाँ पे हमने रख दिया है। अब दोस्तों हम इसका तीसरी कॉइल भी उठा देते हैं ये, और फिर आपको मैं तीसरी कॉइल भी डाल के दिखाऊंगा किस तरह से हमें तीसरी कॉइल को डालना है। देखिए इसी तरीके से दोस्तों उसकी बगल से ही हमको कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हमने इसको कॉइल को डाल देनी है इस तरीके से। देखिए बहुत ही प्यार से दोस्तों हमारी कॉइल मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने कॉइल को डाल देना है, ये डाल दिया है हमने। अब दोस्तों इसको हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से, इसको हमें लॉक कर देना है और हमने इसको फिर लॉक कर दिया है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी साइड भी ये डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये
आराम आराम से थोड़ा थोड़ा वायर को करके डाल देना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमको ये भी डाल देना है। देखिएगा ये देखिए इस तरीके से दोस्तों हमारी कोयल डल जाएगी। देखिए ये लगभग दोस्तों हमारी कोयल डलने वाली है। देखिएगा इस तरह से हमारी कोयल दोस्तों डल चुकी है। अब दोस्तों इसको हमें लॉक कर देना है इस तरीके से। देखिए हमने इसको लॉक कर दिया है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें स्टार्टिंग की चौथी कोयल भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये चौथी कोयल को भी डाल देना है। देखिए एक साइड से हमने इसको डाल दिया है और फिर इसको मिनिमैक्स से हमें दोस्तों लॉक कर देना है। देखिए हमने इसको लॉक कर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसकी डाल देंगे। देखिएगा इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसकी डाल देनी है। देखिए इस तरीके से देखिए दोस्तों ये हमने दूसरी साइड भी इसकी डाल दी है दोस्तों। अब इसको हमें करना क्या है, लॉक कर देना है मिनिमैक्स से इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों हमने इसको लॉक कर देना है इस तरीके से। दोस्तों हमारी वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है इस तरीके से। देखिए दोस्तों हमने इसके लिए चार स्टार्टिंग की और चार एंडिंग की कोयल डाल दी है। और फिर इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद में देखिए दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे धागा ले लेना है और धागे को देखिए किस तरह से हमें इसमें बांध देना है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आप किस तरह से धागा लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमें धागा बांध लेना है और फिर इसको फटाफट करके इस तरीके से धागे को बांध देना है। के बाद दोस्तों इसको हम बाद में टाइट करके दिखा देंगे आपको इस तरह से हमें इसको टाइट करना है। इस तरीके से देखिए हमने इसको बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये धागा लगाने का। 2 मिनट दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता और हमारा धागा फट से लग जाता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों ने ये धागा लगाया है इसके अंदर। देखिएगा इधर लगभग सभी स्लॉट कोयलों के अंदर दोस्तों ने धागे को डाल दिया है और उसको टाइट भी कर दिया दोस्तों। इस तरीके से हम इसके जो कनेक्शन वायर हैं पेपर की मदद से दोस्तों हम उनको जला सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से इसे जलाने से क्या होगा दोस्तों, जो उसके ऊपर वायर के पॉलिश होती है वो जल जाती है और फिर हम आराम से दोस्तों उसके कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों हमने वायर को जला लिया है। अब दोस्तों जो हमारे 4 कोयल हैं अंदर की, उनके वायर को हम दोस्तों अंदर एक जगह इकट्ठा कर देंगे। देखिए इस तरीके से दोस्तों मैंने उनको इकट्ठा कर दिया है और अंदर कर दिया है। अब दोस्तों इसका कनेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों जो वायर राइट साइड को जाएगा तो उसके दूसरे कोयल का भी राइट साइड को ही जाना चाहिए। उसी तरीके से हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। हमने कनेक्शन करके दिखाया, इसी तरह से दोस्तों लेफ्ट को जा रहा है तो दूसरी कोयल का भी लेफ्ट को ही जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों फिर ये हमारा दूसरा कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दोस्तों हमने 2 कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों इसका जो राइट वाला सिरा बचा है राइट जा रहा है और इसी तरह से दूसरी कोयल का भी राइट जा रहा होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये तीसरा कनेक्शन भी पूरा मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों हम कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये दोनों लेफ्ट साइड को जाने चाहिए जो हमारी मेन वायर बचे हैं, या तो दोनों राइट को जाने चाहिए या लेफ्ट को जाने चाहिए। इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हमने पूरे कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों इसमें जो हमारी वायर है जो रेड वाली वायर है दोस्तों हमको ये नीचे वाली में लगा लेनी है इस तरीके से। इसमें बांध देंगे हम जो हमारी रनिंग वायर है इस तरीके से दोस्तों हमको इसकी
चार लीड्स की निकाल लेनी है, दो रनिंग की और दो स्टार्टिंग की। रेड वाली दोस्तों नीचे वाली में निकाल लेनी है और ब्लैक वाली ऊपर वाली में। वैसे दोस्तों बराबर टर्न है, कोई सी में निकाल सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें कि हम नीचे वाली में चलाएं या ऊपर वाली में चलाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्न दोस्तों बराबर है। तो इसलिए हम कोई सी भी इसको सीधा चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसमें दिक्कत आती है अगर कम ज़्यादा हमारे टर्न होते हैं बड़ी मोटर के, जिस तरह से स्टार्ट रनिंग अलग होती है, तो उसमें दोस्तों हमको रनिंग वाइंडिंग पर ही चलाना होता है। तो उस तरीके से दोस्तों हमने देखिए ये कनेक्शन कर दिए हैं पूरे। अब इसके अंदर हम सिल्लू चढ़ा देंगे इस तरीके से। ये 2 mm की स्लीव है दोस्तों, इसको हम वायर को इस तरीके से फिरो देना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको इसके अंदर डाल देना है अच्छे से दोस्तों, चारों वायर के अंदर इस तरीके से हम स्लिप को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्लिप डाल दी है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उसको हमें आगे करना क्या है, तो इसको दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं हम क्या करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दो हमारी रनिंग और दो स्टार्टिंग हो गई है। अब दोस्तों इसको हम धागा लगा दिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा पूरा फैन वाइंडिंग हो चुका है दोस्तों। ये 16 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें इसमें वार्निश को डाल देना है, जिससे हमारी कोयले सेट हो जाएं, लूज ना रहें। और जो दोस्तों डालते वक्त ये कादा वायर जो कोई पॉलिश उतर जाती है तो उसको भी ये शॉर्ट होने से रोक देता है। तो उस तरीके से देखिए दोस्तों हमने ये वार्निश को डाल देना है। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।